के इस वीडियो में हम ऑप्थेल्मिक ऑफिसर एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो दोस्तों, अभी तक आपने ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करवा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 25 MCQ डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट MCQ इज विच सेल्स ऑफ रेटिना आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कोटोपिक विजन। स्कोटोपिक विजन के लिए रेटिना की कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है? ऑप्शन वन, ऑप्शन ए बाइपोलर सेल, ऑप्शन बी रॉड सेल, ऑप्शन सी गैंग्लियोनिक सेल एंड ऑप्शन डी कोन सेल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रॉड सेल्स इज अ करेक्ट आंसर। इसमें दोस्तों स्कोटोपिक विजन यानी कम लाइट में, मिनिमम लाइट में जो विजन होती है या नाइट विजन जो रहती है उसे हम स्कोटोपिक कहते हैं। जो लाइट में रहती है, अप्रोप्रिएट उसमें लाइट होना चाहिए, उसे फोटोपिक विजन बोलते हैं। और मीडियम लाइट जो होती है उसे मेजोपिक विजन बोलते हैं, ठीक है। सो स्कोटोपिक विजन के लिए रॉड सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द रेटिना हैज़ ग्रेटेस्ट सेंसिटिविटी टू लाइट। रेटिना का कौन सा पार्ट जो है वो ग्रेटेस्ट सेंसिटिविटी है लाइट के लिए? ऑप्शन ए ऑप्टिक डिस्क, ऑप्शन बी मैकुला ल्यूटिया, ऑप्शन सी द कोराइड एंड ऑप्शन डी द फोविया। सो लाइट के लिए सबसे ज़्यादा जो रेटिना का पार्ट है जो सेंसिटिव होता है लाइट के लिए वो होता है फोविया सेंट्रलिस। फोविया सेंट्रलिस द सेंट्रल पार्ट होता है रेटिना का, ठीक है। सो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट सेंसिटिविटी होती है यहाँ पे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यूम ऑफ ऑर्बिट इज। अप्रोक्सीमेट वैल्यूम, ऑर्बिट का वैल्यूम कितना होता है? सो ऑर्बिट का वैल्यूम लगभग ये ऑप्शन सी 30 ml होता है, ठीक है। क्वेश्चन फोर इज अवैस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ द आईज। अवैस्कुलर यानी किस पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होता है। अवैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड सप्लाई नहीं होना। सो अवैस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ आईज, सो ऑप्शन ए कोरोइड, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी कंजंक्टिवा एंड ऑप्शन डी सिलियरी बॉडी। सो इनमें से लेंस जो होता है इसको ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ये अवैस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लेंस। फिफ्थ क्वेश्चन इज एक्विस ह्यूमर। आप सबको पता ही है एक्विस ह्यूमर इज अ सिक्रेटेड बाय। एक्विस ह्यूमर जो होता है वो कौन सा पार्ट सिक्रेट करता है या कौन सा पार्ट प्रोड्यूस करता है? सो ऑप्शन ए एंगल ऑफ एंटीरियर चेंबर, ऑप्शन बी कोरोइड, ऑप्शन सी सिलियरी बॉडी एंड ऑप्शन डी आयरिस। सो एक्विस ह्यूमर का जो प्रोडक्शन होता है या सिक्रेट होता है वो सिलियरी बॉडी करती है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज सी। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज द म्यूकॉइड लेयर ऑफ टीयर फिल्म। जो म्यूकॉइड लेयर होती है टीयर फिल्म की, म्यूकॉइड लेयर ऑफ टीयर फिल्म इज प्रोड्यूस्ड बाय। टीयर फिल्म की जो म्यूकॉइड लेयर होती है वो कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है? ऑप्शन ए मीबोमेन ग्लैंड, ऑप्शन बी मेन लैक्रिमल ग्लैंड, ऑप्शन सी एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड एंड ऑप्शन डी गॉबलेट सेल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी गॉबलेट सेल। जो होती है वो म्यूकस लेयर, म्यूकॉइड लेयर जो होती है वो टीयर फिल्म की प्रोड्यूस करती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ सेवंथ क्वेश्चन इज मेन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन लेंस। ह्यूमन लेंस का मेन कंपोनेंट कौन सा होता है? सो ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कोलेजन एंड ऑप्शन डी अस्कॉर्बिक एसिड। सो ह्यूमन लेंस में मेन कंपोनेंट जो होता है क्रिस्टलाइन लेंस में, जो नॉर्मल लेंस क्रिस्टलाइन लेंस होता है ह्यूमन का, उसमें सबसे मेन जो कंटेंट होता है वो वाटर होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वाटर। नाउ एट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द अकोमोडेशन एंटीरियर चेंबर डेप्थ विल बी। जब अकोमोडेशन होता है तब एंटीरियर चेंबर डेप्थ कैसी होती है? ऑप्शन ए इंक्रीज होती है, ऑप्शन बी डिक्रीज होती है, ऑप्शन सी सेम होती है या फिर नन ऑफ द अबव। सो इनमें से जब अकोमोडेशन होता है तो एंटीरियर चेंबर की डेप्थ डिक्रीज हो जाती है। सो करेक्ट आंसर इज बी डिक्रीज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन इज द जंक्शन ऑफ कॉर्निया एंड स्क्लेरा। कॉर्निया एंड स्क्लेरा को जंक्शन क्या बोलते हैं? जंक्शन यानी एक साथ मिलना, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए ट्रैबिकुलर मेशवर्क, ऑप्शन बी सिलियरी बॉडी, ऑप्शन सी प्यूपिल
एंड ऑप्शन डी लिम्बस। तो कॉर्निया और स्क्लेरा जहाँ जंक्शन होता है दोनों का, उस पार्ट को हम लिम्बस बोलते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी लिम्बस। नाउ टेंथ क्वेश्चन इज द नॉर्मल डायमीटर, जो नॉर्मल कॉर्नियल डायमीटर होता है इन एडल्ट, ठीक है, द रेंज बिटवीन द नॉर्मल कॉर्नियल डायमीटर इन एडल्ट। सो कौन सी रेंज होती है डायमीटर की? ऑप्शन ए 10 to 11 mm, ऑप्शन बी 11 to 12 mm, ऑप्शन सी 12 to 13 mm एंड ऑप्शन डी 9 to 10 mm। सो करेक्ट आंसर इज जो कॉर्निया का डायमीटर होता है वो इस रेंज में होता है 11 से 12 mm तक। जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर होता है कॉर्निया का वो होता है 11.7 mm एंटीरियर हॉरिजॉन्टल डायमीटर, और एंटीरियर वर्टिकल डायमीटर जो होता है वो होता है 11.5 mm, और जो पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है, सो जो एवरेज होता है 11 से 12 mm तक का ये रेंज होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ इंट्राकुलर मसल इन द आई, नंबर ऑफ इंट्राकुलर, यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है इंट्राकुलर पूछा गया है, ठीक है, एक्स्ट्राकुलर नहीं। सो नंबर ऑफ इंट्राकुलर मसल इन द आई, आई में इंट्राकुलर मसल कितने हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 6। करेक्ट आंसर इज बी, ऑप्शन में 3 इंट्राकुलर मसल है। ट्वेल्थ क्वेश्चन इज द वीकेस्ट बोनी ऑर्बिटल वाल, आई में वीकेस्ट बोनी ऑर्बिटल वाल कौन सी होती है? ऑप्शन ए लैटरल, ऑप्शन बी मीडियल, ऑप्शन सी फ्लोर और ऑप्शन डी रूप। सो करेक्ट आंसर इज जो ऑर्बिट की मीडियल जो वाल होती है वो वीक होती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ 13th क्वेश्चन इज अ फंक्शन ऑफ सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी का क्या काम होता है? ऑप्शन ए अकोमोडेशन करना, ऑप्शन बी एक्विस प्रोडक्शन करना या दोनों या नन ऑफ द अबव। सो जो सिलियरी बॉडी का काम होता है अकोमोडेशन के लिए हेल्प करना भी होता है और एक्विस प्रोडक्शन भी होता है। सो करेक्ट आंसर इज अ बोथ, ए एंड बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। सो करेक्ट इज अ ऑप्शन सी बोथ। 14th क्वेश्चन इज द कॉर्निया इज सप्लाइड बाय विच नर, कॉर्निया को कौन सी नर सप्लाई होती है? ऑप्शन ए ऑप्टिक, ऑप्शन बी ट्रैकलियर, ऑप्शन सी ट्राइजेमिनल एंड ऑप्शन डी एब्डुसेंस। सो करेक्ट आंसर इज कॉर्निया को जो नर्स होती है उसे हम ट्राइजेमिनल नर्स कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। 15th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंजंक्टिवा, इनमें से कौन सी ग्लैंड जो कंजंक्टिवा का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए ग्लैंड ऑफ मांस, ऑप्शन बी ग्लैंड्स ऑफ क्राउज, ऑप्शन सी ग्लैंड्स ऑफ वल्फ्रिंग्स एंड ऑप्शन डी ग्लैंड ऑफ जीस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ग्लैंड ऑफ जीस, ये जो ग्लैंड है ये कंजंक्टिवा का पार्ट नहीं है, ठीक है। 16th क्वेश्चन इज हेलोरोनिक एसिड इज फाउंड इन, हेलोरोनिक एसिड किन में देखा जाता है? ऑप्शन ए विट्रियस ह्यूमर, ऑप्शन बी सैनोवियल फ्लूड, ऑप्शन सी कार्टिलेज या ऑप्शन डी कॉर्निया। सो हेलोरोनिक एसिड ये विट्रियस ह्यूमर में होता है, ठीक है। नाउ 17th क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर इन कॉर्निया, कॉर्निया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर कौन सी होती है? ऑप्शन ए बोमेंस लेयर, ऑप्शन बी स्ट्रोमा, ऑप्शन डी डेसिमेंट मेम्ब्रेन या ऑप्शन डी एंडोथेलियम। सो करेक्ट आंसर जो होता है, जो स्ट्रॉन्ग लेयर जो होती है कॉर्निया की वो होती है डेसिमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। डेसिमेंट मेम्ब्रेन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ कॉर्निया, ये दोस्तों आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कॉर्निया की स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर कौन सी होती है, इसमें बहुत बार स्टूडेंट गलत क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है डेसिमेंट मेम्ब्रेन ही करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। 18th क्वेश्चन इज कॉर्नियल मेटाबॉलिज्म डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन डिराइव प्रोमिनेंटली फ्रॉम, कॉर्निया का जो न्यूट्रिशन होता है मेटाबॉलिज्म होता है वो ऑक्सीजन से होता है। सो कॉर्निया को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है ज़्यादा? तो ऑप्शन ए एक्विस ह्यूमर से, ऑप्शन बी एटमॉस्फेयर से, ऑप्शन सी आयरिस से या ऑप्शन डी लिम्बल वेस्कुलेचर से। सो इसमें करेक्ट जो आंसर है दोस्तों वो है एटमॉस्फेयर से, कॉर्निया को जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है या जो मिलता है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा मिलता है और वो वहाँ से ही उसका मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। 19th क्वेश्चन इज विच लेयर
विच लेयर इज फाउंड अंडर द एपिथीलियम, एपिथीलियम के नीचे कौन सी लेयर होती है कॉर्निया की? सो ऑप्शन ए बोमेंस मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी एंडोथीलियम, ऑप्शन सी स्ट्रोमा, ऑप्शन डी डेसमेंट मेम्ब्रेन। सो ये आपको पता ही है दोस्तों कि एपिथीलियम के नीचे बोमेंस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये आपको सब जो सिक्स लेयर है कॉर्निया की वो पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले जो लेयर होती है वो होती है एपिथीलियम, दूसरी जो होती है बोमेंस मेम्ब्रेन, तीसरी जो होती है स्ट्रोमा, इसमें जब आप अभी नई लेयर है वो प्रीडेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसे दोवाज लेयर भी बोलते हैं। उसके बाद आती है डेसिमेंट मेम्ब्रेन, एंड लास्ट में आता है एंडोथेलियम, ठीक है। सो ये सिक्स लेयर होती है। सो विच लेयर फाउंड अंडर एपिथीलियम, एपिथीलियम के नीचे बोमेंस मेम्ब्रेन, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ 90% ऑफ कॉर्नियल थिकनेस इज मेनली बाय, जो कॉर्निया की थिकनेस होती है वो 90% कौन सी लेयर से होती है? ऑप्शन ए डेसमेंट मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी स्ट्रोमा, ऑप्शन सी एपिथीलियम, एंड ऑप्शन डी एंडोथीलियम। सो जो 90% थिकनेस जो होती है वो स्ट्रोमा लेयर से होती है, ये सबसे बड़ी लेयर होती है कॉर्निया में, ठीक है। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कॉर्निया इज, कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? ऑप्शन ए 1.33, 1.36, 1.37 एंड ऑप्शन डी 1.38। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1.37 इज अ करेक्ट आंसर। 22 क्वेश्चन इज व्हाट गिव्स व्हाइट कलर टू आई, आई को व्हाइट कलर किस पार्ट से मिलता है? आई व्हाइट क्यों दिखता है और कौन से पार्ट की वजह से व्हाइट कलर आता है? सो ऑप्शन ए कंजंक्टिवा की वजह से, ऑप्शन बी कॉर्निया की वजह से, ऑप्शन सी स्क्लेरा या ऑप्शन डी कोरोइड। सो करेक्ट आंसर इज स्क्लेरा, जो व्हाइट होता है उसकी वजह से आँख को व्हाइट कलर मिलता है, ठीक है। 23 क्वेश्चन इज द अवैस्कुलर, दी अवैस्कुलर स्ट्रक्चर, अवैस्कुलर ने ब्लड सप्लाई न होना, ऑफ आई इज, ऑप्शन ए कोरोइड, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी कंजंक्टिवा एंड ऑप्शन डी सिलियरी बॉडी। सो करेक्ट आंसर इज लेंस, लेंस को ब्लड सप्लाई नहीं होता है, इसीलिए अवैस्कुलर स्ट्रक्चर सिर्फ इसमें लेंस ही होता है, बाकी सबको ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। नाउ 24 क्वेश्चन इज विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम ऑप्शन ए 100 टू 300 नैनोमीटर, ऑप्शन बी 300 से 650 नैनोमीटर, ऑप्शन सी 400 टू 700 नैनोमीटर एंड ऑप्शन डी 720 टू 920 नैनोमीटर। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो सी है, 400 से 700 नैनोमीटर, ये जो रेंज है वो विजिबल स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 400 से 700 तक जो रेंज होती है वो विजिबल स्पेक्ट्रम होती है। नाउ 25 क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ यूविया एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा यूविया का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए पार्स प्लाना, ऑप्शन बी पार्स प्लाइकाटा, ऑप्शन बी पार्स प्लाना, ऑप्शन सी कोरोइड एंड ऑप्शन डी सॉल्वेंस लाइन। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये है सॉल्वेंस लाइन, ऑप्शन डी। सो इसी तरह आज के इस वीडियो में हमने जो 25 क्वेश्चन है जो ऑप्थाल्मिक ऑफिसर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो आज इस वीडियो में डिस्कस किए, और भी जो MCQ है अगले पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।